नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। उन्नाव एक बार फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में तीन नाबालिग लड़कियां बुधवार शाम अपने घर से निकलती हैं और घास लेने खेत में जाती हैं। वापस घर नहीं लौटने पर परिजन वापस ढूंढने जाते हैं और खेत में अपने ही दुपट्टों से तीन नाबालिग लड़कियां बंधी हुई मिलती हैं। परिजनों के होश फाकता हो जाते हैं। अस्पताल ले जाने पर दो नाबालिग मृत घोषित की जाती हैं और एक बेहोशी की हालत में है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में खेत से दो नाबालिग लड़कियों का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में घास लेने गई तीन किशोरियां शाम तक वापस नहीं आई। जब परिजन तीनों को ढूंढने निकले तो तीनों एक खेत में अपने ही दुपट्टों से बंधी मिली। तीनों लड़कियों को बंधा देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजन तीनों को वापस अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने दो लड़कियों को मृत घोषित किया और एक की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि तीनों किशोरियां एक दुपट्टे में बंदी मिली। मरणासन्न हालत में बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असोहा लाए। वहीं एक को जनपद अस्पताल उन्नाव रेफर किया और डॉक्टरों ने बाकी दो को मृत घोषित किया। बबुरा गाँव में पुलिस अधीक्षक उन्नाव अपने दलबल के साथ पहुंचे और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इस घटना के संबंध में स्थानीय लोगों में अभी भी संशय की स्थिति है। हत्या के साथ ही बच्चियों के साथ अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए सहमे हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में परिजन बैठे हैं। इस हृदय विदारक घटना की हर ओर निंदा हो रही है। वहीं किशोरियों को जहर खिलाने की आशंका जताई गई है। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना भी हुई है। समाजवादी पार्टी के MLC सुनील साजन ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा, प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा जंगल राज बाकी रह गया है, जहां दलित और पिछड़े वर्ग की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा, उन्नाव में दो बेटियों की मौत और एक की हालत गंभीर है। प्रदेश एक बार फिर शर्मसार हो गया है। उन्नाव में इन दो नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार ने CBI जांच की मांग की है। वहीं जिंदा बची लड़की का बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसी के जरिए पता लगेगा कि आखिर हुआ क्या। बेहद गंभीर हालत में लड़की कानपुर में है। सुबह से उसने एक बार आंख खोली, कुछ बताने की हालत में नहीं है। मौके पर पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं और विपक्ष की ओर से लड़की को एम्स में भर्ती कराए जाने की मांग उठ रही है। ये पहली बार नहीं है जब उन्नाव में इस तरह का मामला आया हो। इससे पहले भी उन्नाव कांड चर्चित रह चुका है, लेकिन सवाल अब भी वही, राम राज्य में कब सुरक्षित होंगी बेटियां।